हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील गुप्ता और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घाव के निशान कैसे बनते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। घाव का निशान तब बनता है जब चोट लगने के बाद हमारा स्किन टिश्यू उस घाव को भर देता है। हमारे स्किन टिश्यू में एक कोलाजिन है। कोलाजिन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, फाइब्रोप्लास्ट से बनता है। कोलाजिन हमारे स्किन को फॉर्म बनाता है, यानी बहुत नरम बनाता है, और आमतौर पर ये एक बास्केट वेव पैटर्न में अरेंज किया जाता है। जब हम घायल हो जाते हैं तो हमारा स्किन टिश्यू डैमेज हो जाता है। घाव को ठीक करने के लिए और उन घाव को ठीक करने के लिए फाइब्रोप्लास्ट ज़्यादा कोलाजिन बनाते हैं, लेकिन बास्केट वेव पैटर्न में अरेंज करने की बजाय कोलाजिन क्रॉस लिंक करके एक दिशा में अलाइन हो जाते हैं। इस वजह से चोट लगी हुई जगह सामान्य स्किन से अलग दिखाई देने लगती है और इसी प्रकार एक घाव का निशान बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहें।